ईरान ने एक बार फिर दुनिया के सामने अपनी सैन्य ताकत की नुमाइंदगी की। ईरान ने एक सैन्य परेड में नई बैलिस्टिक मिसाइल और अपग्रेडेड अटैक ड्रोन को पेश किया। इस दौरान ईरानी सेना ने बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलों का भी प्रदर्शन किया। खास बात है कि ये क्षेत्रीय तनाव बढ़ने और ईरान की ओर से रूस को कथित तौर पर ड्रोन और मिसाइलों की सप्लाई करने के आरोप के बीच हुआ। ईरानी सेना ने 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की रेंज वाले एक नए कामिकेज ड्रोन से भी पर्दा हटाया। न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक शनिवार को 23 बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रदर्शन हुआ। इसमें 2 खैबर शेकेन मिसाइलें, 2 फतेह मिसाइलें, 4 हज कासिम मिसाइलें, 2 कद्र एच मिसाइलें, 2 इमाद मिसाइलें, 3 खुर्रम शहर मिसाइलें, 4 सेजिल मिसाइलें और 4 जिहाद मिसाइलें शामिल थीं। इस दौरान IRGC एयरोस्पेस फोर्स की जिहाद लेटेस्ट लिक्विड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल से भी पर्दा हटा, जिसे पहली बार परेड में शामिल किया गया, जिसकी उच्च विस्फोटक डिटैचेबल वॉरहेड के साथ रेंज 1000 किलोमीटर है। इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कोर ने पहली बार शाहिद 136B शाहिद 136 कामिकेज ड्रोन के लेटेस्ट एडिशन की भी झांकी निकाली। शाहिद 136B ड्रोन शाहिद 136 का लेटेस्ट वर्जन है, जिसकी ताकत में कई गुना इजाफा हुआ है। अब ये 4000 किलोमीटर से ज़्यादा की उड़ान भरने में सक्षम है। शाहिद 136 डेल्टा विंग आकार का कम नजर आने वाला ड्रोन है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। ये 50 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकता है। ये मानव रहित हवाई वाहन ईरान में निर्मित पिस्टन इंजन का उपयोग करता है और इसकी गति लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। परेड में बोलते हुए ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने कहा कि ईरान अपनी रक्षा कर सकता है, अन्य मुस्लिम देशों के साथ एकजुटता और सहयोग से पश्चिमी एशिया में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। ईरान की ताकत इतनी बढ़ गई है कि कोई भी शैतान देश ईरान के खिलाफ किसी भी तरह के हमले को अंजाम देने की हिम्मत नहीं कर सकता है या इसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। ईरानी अधिकारियों ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि देश सैन्य ताकत को मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसमें उसकी मिसाइल पावर भी शामिल है, जो पूरी तरह से रक्षा के लिए है। ये परेड 44 साल पहले ईरान पर पूर्व इराकी तानाशाही सद्दाम हुसैन के हमले की शुरुआत की याद में आयोजित की गई थी। ईरान के नए सैन्य साजो सामान की झांकी दक्षिणी तेहरान में इमाम खुमैनी की समाधि के पास प्रदर्शित की गई। ईरानी सैन्य विशेषज्ञों और इंजीनियर्स ने हाल के सालों में स्वदेशी उपकरणों की एक बड़ी सीरीज के निर्माण में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, जिससे सशस्त्र बल आत्मनिर्भर हो गए हैं। इस्लामी क्रांति के नेता आयातुल्ला सैयद अली खामेनाई ने बार बार ईरान की रक्षा क्षमताओं को बनाए रखने और विस्तारित करने के प्रयासों का आह्वान किया है।